आपका स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल एस्ट्रो पंडित अरुण भारद्वाज में। आज हम बात करने वाले हैं किन महीनों में जन्मे बालक सबसे ज़्यादा भाग्यशाली, बुद्धिमान तथा दुनिया में नाम रोशन करते हैं। इन महीनों में जन्मे बालकों को जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता है, भाग्य हमेशा इनके साथ चलता है। जिस कार्य को ये सोच लेते हैं निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। ये निडर होते हैं तथा धार्मिक होते हैं और इनमें मान सम्मान की भावना होती है। तो समय व्यर्थ ना करते हुए बात करते हैं इन महीनों की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि समय से आप तक वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जातक के जन्म का समय, दिन, महीना, नक्षत्र, राशि आदि चीज़ें उसके संपूर्ण जीवन का निर्धारण करती हैं। दोस्तों, हमारे पिछले जन्म में कार्यों से हमारे जीवन का निर्धारण होता है, उसी अनुसार हमारा जन्म अच्छे या बुरे महीनों में होता है। कोई अमीर घर में जन्म लेकर जीवन के सुख भोगता है और कोई एक वक्त के भोजन के लिए भी तरसता है, जबकि उसने अभी कोई कर्म नहीं किया है। इसका कारण पूर्व जन्म होता है। अमीर घर वाले ने अच्छे कर्म किए होंगे तथा गरीब घर वाले ने पूर्व जन्म में गलत कर्म किए होंगे। दोस्तों, जनवरी फरवरी माह में जन्मे बच्चे बुद्धिमान, स्वयं पर भरोसा करते हैं, माता पिता का नाम रोशन करते हैं, अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। मार्च अप्रैल माह में जन्मे बच्चे क्रोधी होते हैं, भाग्य सुधारने में लगे रहते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। मई जून माह में जन्मे बच्चे भाग्यशाली तथा दिल के साफ और दूसरों की मदद करते हैं। व्यापार में थोड़ी हानि होती है और धोखा भी खाते हैं। जुलाई अगस्त माह में जन्मे बच्चे दयालु, भाग्यशाली, सरल स्वभाव, माता पिता का सम्मान करने वाले तथा अपना सम्मान बढ़ाने में लगे रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। सितंबर अक्टूबर माह में जन्मे बच्चे भाग्यशाली, धार्मिक, छल नहीं करते हैं, जीवन में संघर्ष से घबराते नहीं हैं, बुद्धिमान होते हैं, निडर होते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। नवंबर दिसंबर माह में जन्मे बच्चे स्थिर विचार, दूसरों को समझते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, स्वभाव अच्छा होता है, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, महीनों के अलावा और भी कई चीज़ों से जीवन का निर्धारण होता है। केवल किस महीने में जातक का जन्म हुआ है इससे भाग्य का निर्धारण नहीं होता है। जन्म कुंडली में और भी कई चीज़ें होती हैं।